स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश में आज एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इस बार जम्मू कश्मीर बॉर्डर की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर से घुसपैठ हुई है। एक युवक कार लेकर एनएसए के घर में तेजी से घुसा और डोभाल को मारने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे दबोच लिया और उसके बाद जो कुछ खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। इस रिपोर्ट में देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है और इस खूनी साजिश को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम देने की कोशिश भी हो रही है। दरअसल अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसपैठ की कोशिश की और ये शख्स तेजी से कार लेकर अजीत डोभाल की कोठी में घुस रहा था, लेकिन वक्त रहते ही इस खूनी साजिश पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया, क्योंकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सही वक्त पर उस शख्स को रोककर हिरासत में ले लिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद शख्स कुछ बड़बड़ा भी रहा था और बार बार कह रहा था कि उसकी बॉडी में किसी ने चिप लगा दिया है और उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके बाद जाँच एजेंसियाँ अलर्ट हो गयी और बारीकी से युवक की जाँच की। हालांकि जाँच में उसकी बॉडी से कोई चिप नहीं मिला, लेकिन इस बात की जांच जरूर आगे की जा रही है कि उसे किसने वहां भेजा और कौन डोभाल की जान का दुश्मन है। हिरासत में लिया गया शख्स कर्नाटक के बेंगलुरु का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल उस शख्स से पूछताछ कर रही है। वैसे भी भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल पाकिस्तान और चीन की आँख की किरकिरी बने रहते हैं। डोभाल कई आतंकी संगठनों के निशाने पर भी है। पिछले साल फरवरी में जैश के आतंकी के पास से डोभाल के दफ्तर से रेकी का वीडियो मिला था। इस वीडियो को आतंकी ने पाकिस्तान हैंडलर को भेजा था। इसके बाद डोभाल की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया, लेकिन एक बार फिर अचानक से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे अजीत डोभाल केरल के हैंडलर के IPS अधिकारी है। 1972 में वो भारत की खुफिया एजेंसी IB से जुड़े थे। खुफिया एजेंट बनकर डोभाल ने कई कारनामों को अंजाम दिया था। कहा जाता है कि वो जासूस बनकर करीब 7 साल तक पाकिस्तान में भी रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू थंडर में भी उनकी अहम भूमिका थी। वहीं 1999 में जब विमान हाईजैक हुआ था, तब उनको सरकार की तरफ से मुख्य वार्ताकार बनाया गया था। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के प्लान बनाने की जिम्मेदारी PM मोदी ने NSA अजीत डोभाल को दी थी। इसके बाद 26 फरवरी 2019 की रात के तकरीबन 3 बजे भारतीय वायुसेना ने LOC को पार करके बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था और पाकिस्तान के खिलाफ इस प्लानिंग में अजीत डोभाल की अहम भूमिका थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अजीत डोभाल के खिलाफ लगातार साजिश रचता चला आ रहा है। अजीत डोभाल को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे युवक से सुरक्षा कर्मी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। युवक बड़बड़ाते हुए बार बार यही बात दोहरा रहा है कि उसकी बॉडी में चिप लगी हुई है और उसे कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन जांच में कोई चिप नहीं मिली है। लेकिन अब ये पता लगाया जा रहा है आखिर किसने अजीत डोभाल को मारने का प्लान बनाया, क्योंकि अजीत डोभाल पाकिस्तान और चीन की आंखों की किरकिरी बने रहते हैं। डोभाल कई आतंकी संगठनों के निशाने पर भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।